सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, पार्ट 9 पूरा हो चुका है। आज मैं आपको पार्ट 10 कौन सा है, पेड़ों की पंचायत, पार्ट 10 पेड़ों की पंचायत पढ़ रही हूँ। ठीक है, इसकी रीडिंग लगाऊंगी पार्ट 10 की। बड़े ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। हो सके तो अपनी बुक भी निकालना, अपने बुक में साथ साथ पढ़ते रहना। सबसे पहले मैं इसके कराऊंगी आपको नए शब्द, यानी कि शब्द अर्थ, नए शब्दों के अर्थ। देखो क्या है नए शब्दों के अर्थ। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है देखभाल। संरक्षण का अर्थ होता है देखभाल। देखना बच्चे कैसे पौधे की रक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समय पर पानी दे रहे हैं उसको, पौधे को पानी दे रहे हैं फवारे से। दो बच्चे हैं, एक नीचे खुदाई कर रहा है मिट्टी की, यानी कि उसके नीचे से कचरा निकाल रहा है गमले से, और जो लड़की है उसको पानी दे रही है। संरक्षण का अर्थ होता है देखभाल। और सकारात्मक, सकारात्मक सहमति का सूचक, सकारात्मक सहमति का सूचक। फिर आगे है अभिवादन, अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है स्वागत, किसी का अभिवादन करना, यानी कि स्वागत करना। ये देखना घर पर दो बच्चे आए, आंटी अंकल का क्या कर रहे हैं, अभिवादन, यानी कि उनको बड़े रिस्पेक्ट से कह रहे हैं कि आप अंदर आइए। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, माध्यम, माध्यम का अर्थ होता है द्वारा, माध्यम द्वारा। प्रेषित, भेजना, प्रेषित भेजना। आमंत्रित बुलाना, आमंत्रित बुलाना। अचानक एकाएक, अचानक एकाएक। फिर है शोषण, शोषण का अर्थ होता है दुरुपयोग, शोषण दुरुपयोग, किसी का गलत प्रयोग करना, शोषण उसी को ही बोलते हैं दुरुपयोग। ग्रहण लेना, ग्रहण का मतलब होता है लेना, ग्रहण लेना। आगमन, आगमन का अर्थ होता है आना, आगमन आना, आगमन आना। उदासीन, उदासीन का अर्थ होता है इच्छा रहित, उदासीन इच्छा रहित। औषधि, औषधि दवा, औषधि दवा, औषधि का अर्थ होता है देखो एक दवाई की क्या है, बोतल है, छोटी सी बोतल है, कैप्सूल पड़े हैं, टेबलेट पड़ी है। इधर उदासीन का मतलब बच्चा उदास बैठा है, उससे अब उसकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही। फिर आगे क्या है, आगमन आना। ठीक है बेटा, ये देखो नए शब्द, संरक्षण देखभाल, अभिवादन स्वागत, सकारात्मक सहमति का सूचक, माध्यम द्वारा, प्रेषित भेजना, आमंत्रित बुलाना, अचानक एकाएक, शोषण दुरुपयोग, ग्रहण लेना, आगमन आना, उदासीन इच्छा रहित, औषधि दवा। ठीक है, अब देखो मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, अब स्टार्ट कर रही हूँ पाठ। क्या है, पेड़ों की पंचायत। पेड़ों से हमें कागज मिलता है जिस पर हम लिखते हैं, यही नहीं लिखने के लिए जरूरी पेंसिल और लिखा मिटाने के लिए रबड़ की भी पेड़ों से ही मिलती है, जिससे आप रेस करते हो ना, जो रबड़ है आपका रेस करने वाला, जो लिखते हो वो कहाँ से मिलता है, पेड़ों से। फल फूल सब्जी औषधि लकड़ी ठंडी हवा छाया जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वर्षा और न जाने क्या क्या हमें पेड़ ही देते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में पेड़ से चिपक कर उसे काटने का विरोध शामिल था। इस हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में पेड़ लगाओ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पेड़ लगाओ दिवस,
जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई यानी कि सेवंथ मंथ के फर्स्ट वीक में पेड़ लगाओ दिवस मनाया जाता है। टीवी चैनल रिपोर्टर ग्रोली मन्नत एवं आशुतोष भीड़ को संबोधित कर माइक पर बता रहे हैं थोड़ी दूरी पर पेड़ों की सभा शुरू होने वाली है। रोली, दर्शकों मैं रोली पांडे आप सभी को इस सभा का आंखों देखा हाल बताऊंगी। मेरे साथ कैमरे पर हैं आशुतोष तथा साथी रिपोर्टर हैं मन्नत। मन्नत रोली से, देखो यहाँ पेड़ों का आना जाना शुरू हो गया है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, आज इस सभा को बुलाया है पेड़ों के राजा आम ने। पेड़ों का राजा कौन सा होता है? आम, उसने बुलाई है सभा। रोली, ये देखिए दर्शकों आम के पेड़ पधार रहे हैं। आहा हा हा, उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मन्नत, दर्शकों थे देखने वाले, मैं आपको बताना चाहूँगा आम को फलों का राजा कहते हैं। जब आम कच्चा होता है तब उसकी चटनी और अचार बनते हैं। पकने के बाद मीठे मीठे रसीले आम को हम सभी स्वाद लेकर खाते हैं। किसको खाते हैं? आम को। कब? जब वो पक जाता है, जब वो पक जाता है। आज की सभा का परिणाम आ चुका है। आज की सभा का परिणाम आ चुका है। पेड़ों ने मनुष्य को सबक सिखाने की बात ठान ली है। उन्होंने ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ी, औषधि, अनाज, साग सब्जी आदि महत्वपूर्ण चीज़ें देने से इनकार कर दिया है। मन्नत, दर्शकों सारे पेड़ अपने इस फैसले पर अड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए हम सभी इनके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे। बोलते बोलते मन्नत का दम घुटने लगता है। रोली, दर्शकों यदि अब भी हम सभी नहीं जागे तो इसके परिणाम और भी भव्य वह हो सकते हैं। उन्होंने तो फैसला कर लिया है, बस अब जागने, सोचने और समझने की बारी हमारी है। दर्शकों यदि आप पेड़ों के संरक्षण, संवर्धन एवं हित में फैसला ले रहे हैं तो एक स्वर में अपनी स्वीकृति दें। जो दर्शक इस समय हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं वे अपनी राय हमारे टोल फ्री नंबर्स पर तुरंत प्रेषित करें, यानी कि भेज दें। दर्शक एक स्वर में चिल्लाते हुए, हम सभी पेड़ों की रक्षा करेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सदैव पेड़ों के हितों के बारे में सोचेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नहीं काटेंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ों में भी जीवन है, ये संदेश जन जन में पहुंचाएंगे। रोली, जो लोग टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उनकी भी यही राय है और वे भी यहाँ मौजूद दर्शकों की राय से पूर्णतः सहमत हैं। रोली, आम के पेड़ से मनुष्यों ने अपनी गलती मान ली है, अब आप भी गुस्सा थोक दीजिए। आम, आखिर हम सभी पेड़ भी तो मनुष्यों का भला ही चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आम का पेड़ क्या कह रहा है? आखिर हम सभी पेड़ भी तो मनुष्यों का भला ही चाहते हैं। देखिए हमारा और आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ रहा है। हमें बड़े दुख और मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। दर्शक तो क्या आप हमें माफ़ नहीं करोगे? हमें सुधरने का एक मौका नहीं दोगे? रोली, दर्शकों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ों के खिले खिले चेहरे और झूमती डालियां इस बात की प्रतीक हैं कि उन्होंने हम सभी मनुष्यों को माफ़ कर दिया है। मन्नत, दर्शकों मेरी उखड़ती सांस भी वापस आ गई है, जो इस बात का सबूत है कि पेड़ों ने हमें माफ़ कर सुधरने का एक मौका और दिया है। रोली, दर्शकों आज की यह सभा एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त होती है। अगले कार्यक्रम को लेकर मैं और मन्नत कैमरामैन आशुतोष के साथ आपसे विदा लेते हैं। पर्दा गिरता है।
ये क्या थी, पेड़ों की पंचायत, कैसे इकट्ठे होते हैं, क्या फैसला लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये देखो एक मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ, चार्ट है ये देखो कितना प्यारा है। इसमें सभी क्या है, इसमें हॉकी का भी एक हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, देखो कितना अच्छा है ये, टेनिस, आगे स्कूलों ने दिन याद, ये क्या है, तीर अंदाज, तीरबाजी, तीर अंदाज होता है ना, तीर मारना। ये देखो नीचे कौन सा है, चेस, खो खो, टेबल टेनिस, कितना अच्छे हैं ये, फुटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के साथ कौन सा है, बॉक्सिंग, कौन सा है, बॉक्सिंग, बड़ा प्यारा है ये देखो, सभी हैं, सभी प्ले कर रहे हैं, हॉकी का भी यहाँ प्ले हो रहा है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी, वॉलीबॉल भी, टेबल टेनिस भी, खो खो भी, चेस भी, फुटबॉल भी, कितना प्यारा सीन है जी, है ना। ये देखो कितना प्यारा कंप्लीट है, कितने अच्छा लग रहा है जी, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए दिया है, कितनी अच्छी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं बच्चों को दिखाती हूँ। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, खेलते कूदते रहो, स्वस्थ रहो।